रामचरितमानस में बहुत महत्वपूर्ण भाव व्यक्त किया गया है, धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल पर रखिए चारी। संकट की स्थिति में अपने जीवन में प्रतिष्ठित धैर्य कितने स्तर का है, इसकी परीक्षा हो जाती है। व्यक्ति को धैर्य के आकलन का अवसर मिलता है। धर्म में कितनी आस्था है, इसको भी परखने का अवसर संकट के समय ही प्राप्त होता है। बाह्य जगत में देखें तो मित्र सुहृद साथ देने वाले संकट के समय में कौन हैं, इसकी भी परख हो जाती है। यदि कोई गृहस्थ है तो विप्लव की स्थिति में पत्नी कहाँ तक साथ देती है, देती भी है या नहीं, उसकी भी परीक्षा हो जाती है। लेकिन महाभारत में शांति पर्व के माध्यम से एक तथ्य उद्भासित किया गया। युधिष्ठिर जी के प्रश्न को सुनकर भीष्म पितामह ने कहा, काल में भी वह क्षमता नहीं है कि धर्म और ईश्वर के प्रति समाश्रित समर्पित व्यक्ति को दुख दे सके। अर्थात काल तो हमेशा सदा ही धर्मनिष्ठ भगवत भक्त का साथ देता है। तो हमने संकेत किया कि इस विप्लवपूर्ण स्थिति में भगवान नाम का संकीर्तन तत्काल शांति प्रदान करने में समर्थ है, और हनुमान चालीसा का पाठ सुगम है, कर सकते हैं, 7 बार यदि नित्य ही करें। साथ ही साथ भगवान के वे नाम जो श्री परक हैं, श्रीधर इत्यादि, विष्णु सहस्र नाम में 3 पंक्तियों में जिनका उल्लेख है 77-78 में, भगवान के जो नाम हैं श्री परक श्रीधर इत्यादि, उनका 108 बार पाठ करने पर आर्थिक विपन्नता दूर हो सकती है। किसी जानकार ब्राह्मण से पहले उन नामों को सुन लें, उसके बाद पाठ करना प्रारंभ करें। परिवार के जितने व्यक्ति हैं विपत्ति काल में कलह एक साथ रहने पर अधिक संभव है, आर्थिक विपन्नता इत्यादि के कारण, सुमति कम होने के कारण, ऐसी स्थिति में हृदय से भगवान के प्रति धर्म के प्रति आस्थान्वित होकर मिलकर कुछ देर संकीर्तन करें, और सर्वे भवन सुखिना की भावना से भगवान की प्रार्थना करें तो धैर्य प्राप्त हो सकता है, संकट का निवारण हो सकता है। किसी भी परिस्थिति में परिवार में कलह इत्यादि को जन्म न दें। द्रौपदी ने तो संकट की स्थिति में भी 5 पांडवों का साथ दिया, दमयंती ने संकट की स्थिति में भी राजा नल का साथ दिया। इस प्रकार से सद्भावपूर्वक संवाद, संकीर्तन के माध्यम से, धैर्य के माध्यम से कार्य किया जा सकता है। और कुछ ऐसे प्रकल्प जैसे चिप्स इत्यादि आलू आदि से बनाना, बाज़ार में आलू आदि मिल ही सकते हैं, उनको बनाकर भी भविष्य के लिए आर्थिक प्रकल्प को क्रियान्वित किया जा सकता है। नारायण, और क्या प्रश्न?